जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हमने देखा किस प्रकार से मिथिला राज्य में सारी प्रजा भय से कांप उठती है, क्योंकि वहां पे हमारे भगवान परशुराम एंटर कर जाते हैं। अच्छा, सभी को ये लग रहा होता है कि कहीं ना कहीं वो सारे राजाओं का वध कर रहे हैं, तो मिथिला राज्य के जो हमारे राजा जनक हैं उन्हीं का वध करने हेतु वो पधारे हैं। लेकिन जिस हिसाब से राजा जनक सर्वसाधारण होकर के उनसे मिलते हैं और प्रत्युत्तर में भगवान परशुराम बोलते हैं कि हे राजन, आपको देख के समझ में नहीं आता कि आपको राजा कहें या ऋषि। हिमालय जा रहा था, सोचा वो भगवान का धनुष रखा है, बड़ा देख लेते हैं, दर्शन करते चलता हूं। उधर सीता मैया ने वो धनुष उठा रखा है कि मेरे होते हुए मेरे पिता पे कोई आंच नहीं आ सकती। अब देखना यह है कि इस पूरे दृश्य को देख करके भगवान परशुराम जी क्या बोलते हैं, क्या प्रतिक्रिया होती है। सीता का वो दिव्य अलौकिक रूप, वो शिव धनुष उठाए हुए मां दुर्गा से कम नहीं लग रहा है। अच्छा, वहां दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कैकेया राज्य में, कैकेया राज्य से उनके भाई आ रखे हैं अश्वों को लेकर, लेकिन एक वचन जो है वो इधर उधर टहल रहा है, जीजा सालिम बन नहीं रही है। जीजा कह रहे हैं कि कौन सा वचन, मैंने कब दिया, साले साहब याद दिला रहे हैं बार बार। चल, ये सारा प्रकरण देखते हैं हम एपिसोड में, तो बिना विलंब शुरू करते हैं एपिसोड 21 पार्ट 1। गूज़बम मोमेंट, आपके पिताजी को हानि पहुंचाने नहीं आया हूं कन्या। आपके पिताजी एक महान राजा है, तो केवल अपनी ही नहीं अपनी प्रजा के कल्याण हेतु प्रयास रहते हैं। धनुष रख सकती हो, योद्धा के वेश में बहुत अच्छी लग रही हो, केकया वाली केकई की तरह। आपने मुझे कभी उस वचन के बारे में बताया क्यों नहीं महाराज? किस वचन के बारे में? आप भरत को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। ओहो, तो युद्ध जीत ने तुम्हें भी भड़काने का प्रयास किया है। पर ये बात सत्य है या नहीं?
अब मैं समझा उसकी मंशा यहां केवल अश्व पहुंचाने की नहीं थी। महाराज भैया सत्य कह रहे हैं या नहीं? तुम्हें मैं उत्तर बाद में दूंगा कह गए, पहले मुझे युजीत से बात करनी है। ये कोई साधारण कन्या नहीं है जनक, तुम्हारी पुत्री का भविष्य जुड़ा हुआ है जनक। यह धनुष निर्धारित करेगा कि भविष्य में सीता का योग्य वर कौन होगा। ये धनुष, परंतु कैसे? इन्होंने प्रशंसा खोली है। जो ये प्रशंसा चढ़ाएगा वही होगा सीता का योग्य वर। और स्मरण रखना जनक, ये वही कर सकेगा जो केवल इस जन्म में नहीं प्रत्येक जन्म में सीता का पति रहा होगा। वाह, अब मैं प्रस्थान करना चाहता। कल्याण हो। न सीता साधारण कन्या है, न सीता का वर साधारण पुरुष होगा। आप लोगों से जब भी इतना स्नेह मिलता है अपने आपको बहुत ही भाग्यशाली महसूस करता हूँ। हाँ पाते हैं तो हमें भी बहुत आनंद आता है। ना मेरा कोई भाई है ना सुमित्रा का, इसीलिए आपके आने से हमें और भी आनंद आता है। और फिर हम सबके पुत्र आपको मामा बुलाते हैं। आरंभ कीजिए। मैं राष्ट्रपति नंदन से बात करना चाहता हूं। ठीक है,
परंतु इन्हें भोजन तो करने दीजिए। एकांत, इसके बाद तो किसी हिम्मत नहीं तो बोल दे। निवेदन कर रहा हूं, इन बात उन्होंने ये लगा दिया भाई, सम्मान दिया अपने। कैकई से क्यों कहा? क्योंकि इस वचन का संबंध मेरी बहन और मेरे भांजे से है। तुम्हारा भांजा होने से पहले वो मेरा पुत्र है, उसका भला बुरा मैं तय करूंगा, न तुम और न ही महाराज अश्वपति। मैं यहां संबंध को बिगाड़ने नहीं आया था। यदि इस वचन की बात दोबारा उठी तो संबंध अवश्य बिगड़ जाएंगे, क्योंकि इस वचन के जो पूर्व प्रतिबंध थे वो पूर्ण नहीं हुए। महाराज अश्वपति को स्पष्ट कह देना कि रघुकुल की रीति के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकारी बनेगा और मेरा ज्येष्ठ पुत्र है राम। गुरु वशिष्ठ जी ने एक चीज चेताया था दशरथ जी को कि ऐसे वचन फेंकते न चला गए, कभी न कभी आपको इससे हानि हो सकती है, क्योंकि वचन देने से पूर्व वचन के बारे में सोचना कहीं ना कहीं हृदय में चोर छुपे होने का एक संदेह दिलाता है, और आपके हृदय में चोर है नहीं, इसलिए आप ऐसे ही देते चले जाते हैं वचन। देखिए बात यहां पर कैकेयी जी को दिए गए वचन की। कैकेयी जी को जब वचन दिया था, कैकेया राज्य के राजा को जब वचन दिया गया था, तो उस वक्त उनका कोई भी पुत्र नहीं था, और इस आशा से यह वचन दिया गया था कि अब मैं जब कैकेयी से विवाह करूंगा तो मुझे जो पुत्र प्राप्ति होगी उसे मैं अयोध्या का राजा बनाऊंगा। अब जब बात ऐसी हुई कि उनसे भी पुत्र की प्राप्ति नहीं, तो प्रसाद स्वरूप हुई, प्रसाद स्वरूप हुई, या यूं कह लें कि यज्ञ के बाद, तो अब तो ये वचन पालन करने की स्थिति जो है ये तो इस पे डिपेंड करती है कि क्या क्या बोला गया, सिचुएशन क्या रही होगी। लेकिन ये है कि अभी वो ये नहीं समझ पा रहे कि वो जो वचन दिया है वो वचन है, लेकिन रघुकुल की रीत जो है, जो राजा दशरथ उनको समझा रहे हैं कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वही उत्तराधिकारी होता है राज्य का। अब देखना ये है कि देखना क्या है, हम लोगों को पता है कि किस प्रकार से जब माता कैकेयी ये मांगेंगे कि वनवास के लिए सारा प्रकरण जब होगा तो उस वक्त रघुकुल की रीत भी रह जाएगी, वचन भी रह जाएगा, क्योंकि और पुत्र रहेगा ही नहीं। हाँ, तो इस पूरे तरीके से कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए कि राजा को एक बहुत बड़ी सीख भी मिलेगी कि ऐसे ही वचन नहीं देते हैं। अच्छा कुछ भी कहिए, थोड़ी बहुत सिमिलरिटी महाभारत से भी देखने को हमको प्राप्त होती है, क्योंकि उसमें भी वनवासी हो गए थे। वनवास जीवन में जरूरी नहीं है कि ऐसे ही मिले, वन में जाके ही मिले। वन का तात्पर्य अर्थात है सुख सुविधाओं से दूर। तो आप अपने इस सांसारिक जीवन में रहते हुए भी वनवास कर सकते हैं, जब आप अपनी सुख सुविधाओं से दूर होकर के एक साधारण मनुष्य की तरह, साधारण या यूं कह ले कि प्रकृति की गोद में सोना चालू कर दें, प्रकृति की गोद में उठना चालू कर दें, उन्हीं के द्वारा दिए हुए प्रसाद को ग्रहण करें, जल को पिए, तो आप कभी भी कहीं भी वन में ही, वन में है। साधारण आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो आप साधु ही हुए। लेकिन अभी हमने देखा एक तरफ जहां पे भगवान परशुराम ने दिव्यता देखी माँ सीता की, और उन्हें ये एहसास हो गया, ये आदि एहसास तो छोड़िए, उनको आदिशक्ति दिख गई, ये साधारण कन्या नहीं है, तो इसके लिए बहुत साधारण होना चाहिए। तो एक काम करो, प्रत्यंचा में खोल देता हूं जो बांध ले, सेम कैपेबिलिटी बंदों से उन्होंने उठाया वो भी उठा चढ़ाने भाई। अच्छा यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात, हमारे समाज में या यूं कह लें कि हिंदू सभ्यता में, हिंदू ना कहकर के सनातनी कहना ज्यादा उचित रहेगा, सनातनी सभ्यता में ये माना गया है कि पति पत्नी का साथ एक जन्म का नहीं होता बल्कि कई जन्मों का, सात जन्मों, सात जन्म तो पेटेंट है, कई जन्मों का। अब यहां पर बात केवल इस चीज की नहीं है कि माता और प्रभु इन दोनों के बीच का जो जन्मों का रिश्ता है वो चल रहा है, बात यहां पर यह है
कि हमारे यहाँ शादी को मान्यता इतनी तगड़ी दी जाती है कि हम लोग अपने आप को आधा मानते हैं, एक पुरुष और अपने आप को आधा मानती है एक स्त्री, और दोनों जब मिलते हैं तभी संपूर्ण होते हैं, और यह संपूर्णता बार बार नहीं मिलती। ये तो वेस्टर्नाइजेशन आ गया है हमारे समाज में कि हम डाइवोर्स वाली प्रक्रिया को फॉलो करते हैं कि हाँ छोड़ दिया, पकड़ लिया, इसको छोड़ दिया। आदि शक्ति का रूप इसीलिए कहा जाता है, आप जब महादेव से रिलेटेड कोई सीरियल देखें तो उसमें जब दिखाया जाता है कि आधा स्वरूप हमारे महादेव का अर्धनारेश्वर और आधा स्वरूप हमारी माता का दिखाया जाता है, तो यानी कि हम लोग आधे आधे, हम लोग जब मिलते हैं तब पूरे होते हैं। सामाजिक शिक्षा का पतन होने के कारण ही ये समाज की अव्यवस्थाएं जन्मी है, जहां पे पुरुष अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझता एक स्त्री के प्रति, और स्त्री भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रही है पुरुष के। किसी एक को दोष देना उचित नहीं है। तो मैं तो कहता हूं कि परस्पर भागीदारिता होनी चाहिए एक स्त्री और एक पुरुष की इस समाज को स्थापित करने में। समाज शुरू होता है हमारे अपने घर से, और घर से भी पहले हमारे अपने विचार से। फिलहाल इन्हीं विचारों के साथ ये एपिसोड करते हैं, शीघ्र ही मिलेंगे आपको नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।